तो दोस्तों पिछले कुछ समय से चाइना का रवैया देखने लायक रहा है। फिर G20 को बाइकआउट करके अपने लोगों को एक संदेश देने की कोशिश करना या फिर उटपटांग से नक्शे जारी करके आजू बाजू के लगभग सभी देशों से पंगा लेना, जिसमें सबसे कट्टर दोस्त रशिया भी शामिल है। तो अल्टीमेटली चाइना की ये जो एक्टिविटी थी, इसके ऊपर संदेह तो शुरुआत से था कि चाइना के अंदर कुछ बहुत बुरा हो रहा है, जिसे ढकने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट कुछ उटपटांग से काम कर रही है। वरना ऐसे क्राइसिस भरे दौर में इतने सारे पड़ोसियों के साथ एक साथ पंगा ले लेना, ये किसी के लिए भी अफोर्ड करने लायक नहीं था। लेकिन फिर भी चाइना ने ऐसा एक्चुअली किया। अभी नहीं सबको लेकर खबरें निकल कर आ रही है। अभी सप्ताह भर पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था, उसमें चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा पहली बार इस बात को आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया कि हमारी इकोनॉमी सॉफ्ट हुई है। यानी आज तक चाइना ने अपनी इकोनॉमी को लेकर कितने भी कुछ क्राइसिस वगैरह आ गए हों, कभी भी स्वीकार नहीं किया था। आज भी वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग काफी बड़ी इकोनॉमी है, काफी मजबूत है, हमारी नीतियां कुछ ऐसी है कि हम लोग जल्दी रिकवर कर लेंगे। लेकिन इस समय हमारी इकोनॉमी सॉफ्ट जरूर हुई है, और इस बात को स्वीकार कर लेना चाइना के द्वारा खुद आधिकारिक तौर पर ये बड़ी बात थी। कहने का मतलब चाइना के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है। अब कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जिनके अनुसार बताया जा रहा है कि चाइना ने खराब स्थितियों में पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय अगर हम लोग बात करें कि दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा देश है, तो आंखें बंद करके चाइना का ही नाम निकल कर आता है। अब चाइना दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब अगर बना है, तो इसके पीछे अकेले चाइना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि चाइना ने केवल एक माहौल तैयार किया जिसके बाद विदेशी कंपनियां आकर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी प्रोसेस शुरू करती है, जिस वजह से चाइना के अंदर बहुत सारी चीजें बड़ी मात्रा में बनने लगी। और आज से 5-10 साल पहले दुनिया भर की कंपनी से पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको सबसे उत्तम स्थान कौन सा दिखाई देता है, तो वो चाइना का ही नाम लेगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है और बड़ी अच्छी बात है भारतीयों के लिए कि आज एक सर्वे में दुनिया की 100 में से 40 कंपनियों ने इस बात को स्वीकारा है कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना इस समय बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। यानी 100 में से 40 कंपनियां ऑलरेडी चाइना का हाथ छोड़ चुकी है। चलिए आगे जानते हैं खबर क्या है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगातार घट रहे हैं। इसके साथ साथ चाइना की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, यानी वहाँ की रियल एस्टेट कंपनी वगैरह, ये काफी गंभीर संकट से जूझ रही है। देखिए, रियल एस्टेट कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके देश की GDP और GDP पर कैपिटा को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसी के ऊपर यहाँ पर भारी संकट के बादल छाए हुए हैं। अब इन सब चीजों में अगर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोग भी नाराज हैं। और समस्याएं इस लेवल पर जा पहुंची है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे वो अब चाइना से अपना पैसा निकालना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ साथ काफी लंबे समय से देखा जा रहा है, और वो सिलसिला अभी भी चल रहा है और लंबे समय तक चलेगा, कि जो ग्लोबल कंपनियां थी, जो मल्टीनेशनल थी, जो दूसरे देशों से चाइना में आकर काम करती थी, वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके दूसरे देशों की तलाश में लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों चाइना का रवैया देखते हुए भारत सहित दुनिया के कई बड़े बड़े देश अब अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट भी सीधे सीधे चाइना के ऊपर पड़ा है और उसकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है। इसके साथ साथ भारत हो, ताइवान हो, अमेरिका हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इस तरह के तमाम देशों के साथ इन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से चाइना के अंदर जो घरेलू उनकी डिमांड थी वो भी लगातार घट रही है। अब इसका इम्पैक्ट पड़ा इनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटीज के ऊपर, जो कि 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि साल 2023 के शुरुआती 8 महीनों में चीन की जो FDI थी उसमें 5.1% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ साथ अप्रैल से जून के बीच में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज थी वो मात्र $4.9 बिलियन रही, जो कि पिछले एक साल की तुलना में 87% कम थी। यानी एक ही साल में 87% की गिरावट इनके अंदर देखने के लिए मिली। और अगर टोटल आंकड़ा देखा जाए तो ये 1998 के बाद सबसे बुरी स्थिति में है। यानी पिछले 25 सालों में इससे कम इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था चाइना के अंदर, जो इस समय देखने के लिए मिल रहा है। और कारण मैंने आपको वन बाय वन करके सारे बता ही दिए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया कि 40% कंपनियां, जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो चाइना के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती, ऑपरेट करना नहीं चाहती। तो अब इन सब की भरपाई करने के लिए चाइना ने एक नई शुरुआत की है, एक्चुअली उसे करनी पड़ी। और जो चीन पिछले कुछ समय में विदेशी कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा था, जो चाइना के अंदर ऑपरेट कर रही थी और उन्हें एक तरह से गुलाम बनाने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं को आकर्षित करने के लिए चाइना अब अपनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को भी खोलने के लिए तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि रिसेंटली चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसके जो गवर्नर है, उन्होंने ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से एक बात की।
जिनमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे, जैसे कि जेपी मॉर्गन, टेस्ला, इसके साथ साथ एचएसबीसी और भी कई सारी जर्मन कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां, जापान की कंपनियों के प्रतिनिधि थे। और इसी मीटिंग के दौरान सेंट्रल बैंक के गवर्नर द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि आप हमारे देश में आकर अच्छे से ऑपरेट कर पाएं, इसके लिए हम लोग फ्रेंडली माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी वजह से हम लोग हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी खोल देंगे। तो अल्टीमेटली विदेशी कंपनियों के ऊपर दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवाने वाला चीन अब उन्हीं विदेशी कंपनियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि स्थिति तो गंभीर है, लेकिन दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और जो चाइना नहीं कर पा रहा है विदेशी कंपनियों के लिए, अगर वो भारत करने में सक्षम होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर भारत की बहुत बड़ी जीत हो सकती है और चाइना से जो कंपनियां निकल रही है उन्हें सीधे भारत लाया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।